एक ऐसा केस जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने फाइल किया, वहां से रिविजनल एप्लीकेशन के थ्रू हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के सामने पहुंचा, देन स्पेशल लीव के थ्रू अपील गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोर्ट ने इस केस के अंदर एक हिस्टोरिक जजमेंट सुना दिया और जिससे हमारा जुडिशरी का ऊपर का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने ये समझाया कि लॉ के अंदर आने वाले कई सारे कॉन्सेप्ट जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, ये सभी रिलीजन और पर्सनल लॉ से कई ज्यादा सुप्रीम और वैल्यूएबल है। बट ऑन द अदर हैंड इसी जजमेंट ने खड़ा कर दिया बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी। नेशन वाइड डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुए, एजिटेशंस हुए, क्योंकि बेशक कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को अपहोल्ड तो करता है, बट हमारे कंट्री के हर इंसान के दिल, दिमाग, बातों और इमोशंस में रिलीजन एक वैल्यूएबल और डीपली रूटेड कॉन्सेप्ट रहा है और रहेगा। इसी मैटर को सेटल करने के लिए पार्लियामेंट ने 1986 में एक एक्ट को पास करा, बट कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उसी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया गया एंड फिर से जुडिशरी ने एंटर करके इस मैटर को अपने ही रंग और ढंग में सेटल कर दिया। मैं बात कर रही हूं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस के बारे में। तो इस लेक्चर में हम इसी केस के बारे में समझेंगे फैक्ट से लेके एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग लीगल फ्लाई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये मैटर कोर्ट के सामने गया? चलिए समझते हैं फैक्ट्स को। 1932 में मोहम्मद अहमद खान, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट थे, उन्होंने शादी करी शाह बानो बेगम से एंड इनके हुए 5 बच्चे। 1975 में शाह बानो बेगम जी जब 62 इयर्स की थी, उनको उस घर से बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया गया। 1978 अप्रैल में शाह बानो बेगम जी ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने एक पिटीशन फाइल करी और कहा कि उनको 500 रुपीस पर मंथ मेंटेनेंस चाहिए। और उसी साल 1978 में नवंबर को मोहम्मद अहमद खान जी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया विद इररिवोकेबल तलाक, 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 तलाक। और यही बात उन्होंने कोर्ट के सामने भी कही कि उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है एंड अब उनका कोई ओब्लिगेशन या रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है उनके वाइफ को मेंटेनेंस देने की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये होने से पहले 2 साल तक वो अपनी वाइफ को 200 रुपीस पर मंथ दिया करते थे एंड एज वेल एज डिवोर्स देने पर इदत पीरियड पर उन्होंने 3000 रुपीस एज महर भी दिया। ये सारी बातें कोर्ट ने सुनी एंड 1979 अगस्त में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ये कहा कि मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपीस पर मंथ अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को देने होंगे। शाह बानो बेगम जी ने रिविजनल एप्लीकेशन फाइल करा बिफोर हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कहा कि इस अमाउंट को इंक्रीज किया जाए एंड जिसको सुनकर हाई कोर्ट ने उस अमाउंट को 179 रुपीस कर दिया। एंड देन मोहम्मद अहमद खान ने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है एंड अब उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है कि वो डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस दे एंड साथ ही उनके साथ कोई भी तरीके का संबंध रखना डिवोर्स के बाद वो हराम माना जाता है इस्लाम के अंदर। अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कोर्ट के सामने थे इस केस में जिनको कोर्ट ने सॉल्व करा। तो ये है वो सारे मेजर क्वेश्चन, जैसे पहला कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपी मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सेकंड ये कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हस्बैंड की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस दे इदत पीरियड के बाद भी। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है जो कहता है कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं एंड ऑन डिवोर्स अगर वो एक सम ऑफ अमाउंट उनको पे कर दे, देन फिर जो उनकी लाइबिलिटी होती है मेंटेनेंस पे करने की वो उनके ऊपर से हट जाएगी एज पर सेक्शन 127 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। तो चलिए एक एक करके इन्हीं क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कोर्ट ने इन सभी का क्या आंसर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को देखा, कहा कि सेक्शन 125 जो है वो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। मेंटेनेंस किन किन को देनी चाहिए, दैट इज वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो इस केस के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही है, तो उस तरह से अगर सेक्शन 125 को समझा जाए तो ये कहा गया है कि अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसे हैं, और फिर भी वो नेगलेक्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं मेंटेन करने से, किसको, अपनी वाइफ को जो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने में, मतलब अपनी देखरेख करने में अगर वो अनेबल है, उनको वो मेंटेन करने में अगर मना कर रहे हैं, तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो उस हस्बैंड को कह सकते हैं कि आप मंथली अलाउंस प्रोवाइड कीजिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ। एंड खास बात ये है कि सेक्शन 125 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर वाइफ के टर्म को भी डिफाइन करा है। कहा गया है कि वाइफ के टर्म के अंदर वुमेन जिनको जिनके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया हो या जिन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया हो एंड उसके बाद
उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी गई है तो वो भी वाइफ के टर्म के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवोर्स्ड वाइफ भी वाइफ ही कहलाई जाएंगे एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। साथ में कोर्ट ने सेक्शन 125 को बहुत केयरफुली रीड करके ये कहा कि ये सेक्शन तो बहुत क्लियर एंड प्रिसाइज है, इसके अंदर दो क्राइटेरियाज बताए गए हैं जिसके बेसिस में सेक्शन 125 अप्लाई होता है। पहला ये कि जो हस्बैंड है उसके पास सफिशिएंट मींस है एंड फिर भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने से, एंड दूसरा ये कि जो वाइफ है वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने पर। अगर ये दो क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं तो सेक्शन 125 अप्लाई हो जाता है। तो कोर्ट ये कहते हैं कि जो सेक्शन 125 को जो पूरी तरीके से रीड करा ना, तो कहीं पर भी मुस्लिम वुमेन को तो एक्सक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये सेक्शन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, ये तो सेकुलर इन कैरेक्टर है। तो ऐसा देखा जाए तो सेक्शन 125 जो है वो मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हस्बैंड की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अगर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं देन इद्दत पीरियड के बाद भी उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है। तो जब ये क्वेश्चन था कोर्ट के सामने तो मोहम्मद अहमद खान एज वेल एज जो इंटरवीनर्स केस में ज्वाइन हुए थे उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग में जो हस्बैंड है अगर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं तो फिर डिवोर्स के बाद जो इद्दत पीरियड होता है बस तब तक लाइबिलिटी होती है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इद्दत पीरियड क्या होता है। देखिए जो इद्दत पीरियड होता है बेसिकली जब हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम फ्रेम तक, मतलब 3 months या 4 months, तो रफली देखा जाए तो 90 डेज होगा या फिर 4 months होगा, तो इस टाइम तक जो है जो वाइफ होती है, जो डिवोर्स्ड वाइफ होती है, उनको एक लाइफ ऑफ सेक्लूजन जीना होता है, मतलब थोड़ा अलग से रहना होता है, और उस टाइम पे जो है वो रीमैरी कर भी नहीं सकते हैं। तो ये होता है इद्दत पीरियड। और उन्होंने जब ये बात बोली ना उसके साथ उन्होंने कई सारे टेक्स्ट को भी रिलाई करा, जैसे मुल्लाज मोहम्मद लॉ में ये लिखा गया है कि आफ्टर डिवोर्स द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। तो मतलब जो मेंटेनेंस होगी वो इद्दत पीरियड तक ही होगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ऑन द मैटर दैट कि हस्बैंड की लाइबिलिटी बनती है कि वो अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। देखिए ध्यान से सुनिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे देता है तो फिर उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो मेंटेनेंस दे, दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत पीरियड तक ही है, उसके बाद की बात नहीं कही गई। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हमें मुस्लिम लॉ के बारे में कंप्लीट एक जनरल व्यू समझना है ना, तो हमें कुरान, दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ, तो उसके अंदर की चीजों को भी समझना होगा। तो कोर्ट ने कहा कि आयत 240 से लेकर 242 में अगर देखा जाए तो उसमें तो ये लिखा गया है कि मुस्लिम हस्बैंड की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, बट वहां कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इद्दत पीरियड तक ही वो रहेगा। अब सेक्शन 125 देखें, सेक्शन 125 के अंदर दो ही क्राइटेरिया है, और हमें ये भी पता है कि सेक्शन 125 कब अप्लाई होता है, व्हेन वुमेन इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तो ये कहीं नहीं बोला गया ना कि शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ऐसी बात तो बोली ही नहीं गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है एंड जो सेक्शन 125 है ना, ये दोनों मेंटेनेंस के बारे में अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और कोर्ट ने कुरान में जो कही गई बातें हैं उसको भी ध्यान में रखा, और कोर्ट ने कहा कि अगर हम इन दोनों को अगर देखते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर डिवोर्स्ड वाइफ जो है एबल है अपने आप को मेंटेन करने पर, तो फिर मुस्लिम हस्बैंड की जो लाइबिलिटी होती है मेंटेनेंस देने की वो रहेगी टिल द इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड तक ही। अगर डिवोर्स्ड वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, मतलब वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, देन वो मेंटेनेंस ले सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो कंक्लूड करते हुए कोर्ट ने ये कहा अगर मुस्लिम हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं देन उनकी लाइबिलिटी बनती है कि वो अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, एंड जो इद्दत पीरियड के बाद तक भी होगा, एंड कंडीशन ये है इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तभी तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगा, इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। तो तभी कोर्ट ने मर्ज करते हुए अपना आंसर जो है बहुत क्लियरली हमें समझा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है जो ये कहता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे ऑन डिवोर्स, ठीक है, डिवोर्स होने पर अगर कोई सम ऑफ अमाउंट उनको दे देते हैं तो फिर उनकी मेंटेनेंस देने की जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाती है एज पर सेक्शन 127 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी।
देखिए सेक्शन 127 अल्टरेशन इन एलिवेंसेस के साथ डील करता है। सेक्शन 127 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर किसी भी वुमेन के फेवर में सेक्शन 125 के अंदर मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास कर देता है मेंटेनेंस देने का, एंड देन मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये ऑर्डर पास करने से पहले या ऑर्डर पास करने के बाद अगर जो मुस्लिम हस्बैंड है उन्होंने कस्टमरी या पर्सनल लॉ जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से कोई सम ऑफ अमाउंट जो है डिवोर्स होने पर दे दिया ऑन डिवोर्स, देन इन दैट सिचुएशन जो मेंटेनेंस ऑर्डर होगा वो खत्म हो जाएगा एंड हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की। तो जब ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने था ना, तो उस टाइम मोहम्मद अहमद खान ने ये कहा कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स होने के बाद इद्दत पीरियड में महर दिया था। तो यहां पर क्या कहा मोहम्मद अहमद खान जी ने, ये कहा कि ये जो सम है वो डिवोर्स होने पर दिया जाता है एंड जो मेंटेनेंस ऑर्डर दिया गया है अंडर सेक्शन 125 वो खत्म हो जाता है एज पर सेक्शन 127 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। अब महर क्या है, देखिए महर बेसिकली हस्बैंड का एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो एक सम ऑफ अमाउंट अपनी वाइफ को देते हैं एंड दैट इज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज कि आपने मेरे से शादी करी है एंड इट इज गिवन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और ये किस लिए दिया जाता है, ताकि जो वाइफ है वो अपने ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए ड्यूरिंग मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। जो अमाउंट ऑफ महर है ना वो दो तरीके से डिवाइड होता है, पहला है प्रॉम्प्ट जिसको पे किया जाता है ऑन डिमांड एंड दूसरा है डेफर्ड। डेफर्ड जो होता है ना बेसिकली जब डिसोल्यूशन होता है मैरिज, मतलब जब मैरिज खत्म हो जाता है बाय द रीजन ऑफ डिवोर्स और बाय डेथ, तब ऐसा होता है तब दिया जाता है। ठीक है, अब देखो कोर्ट क्या समझा रहे हैं, कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो महर है वो कब दिया जाता है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है एंड इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज दिया जाता है। राइट, ओके, नाउ यहां पर ये बात समझिए कि जो डिवोर्स ऑन डिवोर्स की बात हुई है, मतलब कोई सम आप डिवोर्स होने पर दे रहे हैं, क्या महर भी सेम है? नहीं, महर कब दिया जाता है, इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो जो चीज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज दी जाती है उसको हम कैसे कह दें कि इट इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ डिवोर्स, और जो चीज एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट दी जाती है हम कैसे कहें कि वो चीज जो है डिवोर्स होने पर दी जाती है। तो ये तो दो चीजें हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ जो महर है दैट इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, आपने मेरे से शादी करी एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट आपको दिया जा रहा है, बट जो चीज डिवोर्स में दी जा रही है उसको हम कैसे कह सकते कि वो महर है। एंड कोर्ट ने यह भी समझाया कि जो डेफर्ड वाला जो महर होता है ना वो बेसिकली ये कह रहा है जब मैरिज डिसॉल्व हो जाता है तब दिया जाता है, एंड डिवोर्स तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ कि जब आप डिसाइड करते हो ओके ये जो अमाउंट है इसका बाकी अमाउंट बचा हुआ है चलो अब मैरिज खत्म हो गया है तो दे दो, बट इट इज नॉट एन अमाउंट विच इज गिवन ऑन डिवोर्स। तो कोर्ट ने कहा बात यहां क्लियर होती है, जो महर है ऑन डिवोर्स दिए जाने वाला एक अमाउंट नहीं है एंड इसीलिए सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग में मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो खत्म नहीं होता है। तो इस केस के थ्रू हमें ये समझ आया कि सेक्शन 125 मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। सेकेंड ये कि मुस्लिम हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं तो उनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे एंड वो इद्दत पीरियड के बाद भी होती है। एंड थर्ड कि ऐसा कोई भी सम नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो कहा गया हो कि आप ऑन डिवोर्स दीजिए एंड जिसके कारण मेंटेनेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 127 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी खत्म हो जाता है। तो था ना ये एक हिस्टोरिक जजमेंट, बट देखिए हुआ क्या, इस जजमेंट के पास करने के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, नेशन वाइड डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुए, एजिटेशंस हुए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगा कि ये जो जजमेंट है वो एक्चुअल में उनकी आइडेंटिटी के ऊपर एक थ्रेट है, साथ ही साथ उनके पर्सनल लॉ के अंदर ना इंटरफेयर किया जा रहा है और इसके कारण पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक अनरेस्ट सा छा गया और ये जजमेंट जो है ऐसा कंट्रोवर्सी बन गया कि ये तो पूरे एंटायर पॉलिटिक्स को हिला सकता है। अब उस टाइम पर राजीव गांधी गवर्नमेंट इसी मैटर को सेटल करने के लिए एंड शाह बानो जजमेंट को खत्म करने के लिए 1986 में एक एक्ट को पास करा एंड दैट वाज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। अब ये जो एक्ट है मेनली इसकी दो बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, पहला ये कि सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि डिवोर्स्ड वुमेन को हस्बैंड एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे विद इन द इद्दत पीरियड, एंड दूसरा है कि सेक्शन 4 ये कहता है कि जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म हो जाता है एंड जो डिवोर्स्ड वुमेन है उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है एंड साथ ही साथ वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इन दैट सिचुएशन उनके रिलेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, और कितने प्रपोर्शन में करेंगे, उतने प्रपोर्शन में जितने प्रपोर्शन में वो इन इस वुमेन से जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करेंगे उनकी डेथ पर। एंड एक बात और ये कही गई है, अगर रिलेटिव्स नहीं है या फिर अगर रिलेटिव्स
है और उनके पास मेंटेन करने का कोई सोर्स नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन स्टेट वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की। तो आप समझ रहे हैं शाहबानो बेगम के जजमेंट में जिस तरीके से सेक्शन 125 को कोर्ट ने इंटरप्रेट करा था, इतना वाइड इंटरप्रिटेशन और ब्यूटीफुली एक जजमेंट दिया था, उन सभी चीजों को खराब कर दिया इस पर्टिकुलर एक्ट ने। एंड इन 2001 डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया जिसमें इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। ये कहा गया कि ये जो एक्ट है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। तो इस केस में ये कहा गया कि जो सेक्शन 125 है उसका बेसिक एम ये है कि वो हर वुमेन के ऊपर एप्लीकेबल हो एंड वेगरेंसी और डेस्टिट्यूशन को वो प्रिवेंट कर पाए, मतलब होमलेस ना हो जाए या पुअर ना रह जाए, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया एक सेक्शन 125। बट इस एक्ट के पास होने के कारण मुस्लिम वुमेन को ही उसमें से एक्सक्लूड कर दिया। सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड वुमेन एंड दैट इज अल्टीमेटली द वॉयलेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज आर्टिकल 14, एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अंडर आर्टिकल 15 एंड एज वेल एज इनहेरेंटली ये आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट कर रहा है। इस केस में सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स के अगेंस्ट है। उन्होंने ये कहा ये जो एक्ट बनाया गया है वो पर्सनल लॉज को ध्यान में रखते हुए, उसको रेस्पेक्ट करते हुए बनाया गया है। एंड साथ में ये कहा समझने वाली बात तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है एंड उसको सप्लीमेंट करते हुए एक लेजिस्लेटिव एक्ट भी बना दिया गया जो इन्हीं मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरह ही बात कर रहा है, तो एक इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। और तीसरी बात कही कि इस एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात हुई है एंड दैट इट इज इन कॉन्सोनेंस विद दैट ऑफ द पर्सनल लॉ। और इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हस्बैंड को पिनलाइज करना नहीं है, उनको मतलब किसी तरीके का पनिशमेंट दिलाना नहीं है, बल्कि वेगरेंसी को प्रिवेंट करना ही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब अगर सेक्शन 125 अप्लाई नहीं हो रहा है मुस्लिम वुमेन के ऊपर एंड वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने में, तो इन दैट सिचुएशन ये एक्ट जो है उनकी हेल्प करेगा एंड प्रिवेंट करेगा वेगरेंसी एंड डेस्टिट्यूशन को। तो देखा जाए तो ये तो पर्सनल लॉ को भी ध्यान में रखते हुए एंड पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एक एक्ट है। एंड साथ में ये भी कहा गया कि जो पर्सनल लॉज होते हैं वो लेजिटिमेट बेसिस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के एंड इसीलिए ये आर्टिकल 14 या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को वॉयलेट नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने ये सारी बातें सुन ली, बट कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि जो सेक्शन 3 में कुछ बातें लिखी गई है ना उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, दैट इज रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस दैट इज टू बी गिवन विद इन इदत पीरियड, ये सब क्या है। तो कोर्ट ने कहा देखिए विद इन इदत पीरियड का मतलब तो ये हुआ कुछ चीजें जो हैं वो देनी है ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इदत पीरियड, मतलब इदत पीरियड खत्म होने से पहले या खत्म होने पर आपको देनी ही देनी है, राइट। क्या देना है? रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, मतलब ये दोनों चीजें दे देनी चाहिए। अब प्रोविजन का क्या मतलब हुआ कि कुछ चीजें आप एडवांस में दे देते हैं ताकि कोई फ्यूचर नीड्स को फुलफिल किया जाए। इन अदर वर्ड्स जब डिवोर्स दिया जाता है तो मुस्लिम हस्बैंड जो है ध्यान में ये रखते हैं कि क्या फ्यूचर नीड्स है जो वाइफ की आ सकती है, जो डिवोर्स्ड वाइफ है, तो उसके हिसाब से उनको अरेंजमेंट करना होता है कि कैसे वो उन नीड्स को फुलफिल करेंगी। कोर्ट ने देखिए किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करा और कहा कि जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन की जो बात हो रही है ना, यहां पे प्रोविजन का जो मतलब है वो है वन टाइम लमसम पेमेंट, एंड ये जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस देने की बात हो रही है ना, दैट इज टू बी गिवन फॉर द फ्यूचर ऑफ द डिवोर्स्ड वुमन। ये देना तो इदत पीरियड के अंदर है बट इट कैन गो बियॉन्ड द इदत पीरियड, तो इट इज टू बी गिवन फॉर द फ्यूचर ऑफ द डिवोर्स्ड वुमन। एंड कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ने ये तो नहीं कहा ना कि जो आप दे रहे हो वो इदत पीरियड के बाद नहीं एक्सटेंड होना चाहिए, ऐसे तो कोई बात नहीं कही गई है। तो आप समझ रहे हैं कि कितने ब्यूटीफुली कोर्ट ने पूरे मैटर को अपने ही रंग और ढंग में सेटल कर दिया। तो जहां पर हमें ये दुख हुआ था ना कि शाह बानो बेगम के जजमेंट को तो खत्म ही कर दिया 1986 के एक्ट के थ्रू, बट कोर्ट ने इस केस के अंदर एक तीर से दो निशाने लगाते हुए शाह बानो बेगम के जजमेंट को तो खत्म हो रहा था, ठीक है 1986 वाला एक्ट वैलिड है कह तो दिया, बट कहीं ना कहीं शाह बानो बेगम के जजमेंट को उन्होंने हां भी भर दिया। कंक्लूजन में मैं आपको ये कहना चाहूंगी सेक्शन 125 है वो सेकुलर इन नेचर है, मतलब सभी वुमेन के लिए एक ही तरीके से अप्लाई हो रहा है, एंड जिस तरीके से सेक्शन 125 को ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया गया था इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, हम तो बहुत खुश हो गए थे कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हिच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको कहीं ना कहीं हम अचीव कर पाएंगे। बट 1986 के एक्ट के पास होने के कारण यूसीसी का जो इंप्लीमेंटेशन का हमारा सपना था वो वहीं रुक गया एंड इट स्टिल रिमेन्स एज अ डेड लेटर। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ हमारे कंट्री में अभी तक, बट हमें हैप्पी होना चाहिए कि हम सेफेस्ट हैंड्स में हैं, दैट इज जुडिशियरी ऑफ अवर कंट्री। तो चलिए हमारा लेक्चर खत्म होता है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।